बग हंटर्स ध्यान से सुनो, अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ना, उस तरीके का प्रस्पेक्टिव अगर आप बना लेते हो ना, तो आप भी बड़े बड़े बग्स को फाइंड कर सकते हो। सिंपल सा मैं आपको प्रस्पेक्टिव का एक डेमो दिखाता हूँ। लेट सपोज कि मैं एक डोमेन पे काम कर रहा हूँ जिस डोमेन का नाम है एबीसी। अब अगर आप एबीसी डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं, तो आप अपने दिमाग को आउट ऑफ द बॉक्स ले जाओ, ठीक है। आप लोग है ना एबीसी डोमेन के बाहर का सोचो, बस ये एग्जांपल है। लेट सपोज मैं एबीसी डोमेन के बाहर का सोचता हूँ, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ क्या बाहर का सोचना है। ओके, नाउ लेट सपोज आप इमेजिन करो कि मैं यहाँ पर अमेजोन के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं अमेजोन डोमेन के ऊपर टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो मैंने अमेजोन के न्यूज़लेटर को साइन अप कर रखा है, तो मुझे मेरे ईमेल के ऊपर अमेजोन के न्यूज़ आते हैं। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पर आया अमेजोन वेब सर्विस का एक न्यूज़, अगर मैं इसके अंदर जाऊँगा और नीचे स्क्रॉल करूँगा, मुझे एक बटन देखने को मिलता है जिसका नाम है अनसब्सक्राइब हियर। अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करता हूँ और इस लिंक एड्रेस को मैं यहाँ पर पेस्ट करके दिखाता हूँ, आप देखेंगे मुझे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके का आप लोग कर सकते हैं, मैं बस यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से इस तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स सोचो और कुछ ऐसा फाइंड करो जो एक हैकर पर्सपेक्टिव से अलग हो, और कुछ अलग तरीके की चीजें करो।